और सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। नॉमिनेशन से पहले जिस तरीके से उन्होंने मां गंगा की आराधना की, जीत का आशीर्वाद लिया, उसकी भी तस्वीरें देखिए आप। चंपावत सीट पर नामांकन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी मां गंगा की शरण में पहुंचे हैं। गंगा सप्तमी के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी पर पहुंचकर मां गंगा की आराधना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मां गंगा से चार धाम यात्रा को विधिवत रूप से चलने की कामना की, तो वहीं सीएम ने चंपावत सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए जीत का आशीर्वाद भी लिया। मां गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा आईडी थोड़ी नीचे सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि दो सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आए, सकुशल जाए, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने मां गंगा से प्रार्थना की है कि मां गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न। मां गंगा का आशीर्वाद हमेशा से हम लोगों के साथ है, जैसे मां गंगा निर्मल और शीतल होकर सबका कल्याण करती है, हम सबका कल्याण करती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद थी, उन्होंने भी मां गंगा की आराधना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं। 9 मई को मुख्यमंत्री अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने मां गंगा की आराधना कर जीत का आशीर्वाद लिया है। चंपावत उपचुनाव का रण अब सज चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9 मई को नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से निर्मला गहतोड़ी को चंपावत चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के सामने उतारा गया है और कांग्रेस का ये कहना है कि महिला कैंडिडेट होने के साथ साथ वो एक ब्राह्मण चेहरा भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के लिए चुनाव जीतना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चुनाव जीतकर ही विधानसभा के सदस्य बनेंगे। चंपावत सीट पर वैसे तो सीएम को टक्कर मिलने की कम ही संभावना है, मगर ये चुनाव है, इसमें सियासत के ऊंट किस करवट बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।